अगर आप लोग भी मूंगफली की नमकीन खाने के शौकीन हो और तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके बनाते रहते हो अलग अलग तरीक़ों से, और आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बिल्कुल आधे चम्मच में ज़बरदस्त वाली नमकीन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंगफली ले रखा और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डाला था, गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ मूँगफलियाँ चटकने लगी हैं और ये हमारी मूँगफली तैयार हो गई है। इसको हम निकाल करके ठंडा होने के लिए, और यहाँ पे हम मसाले निकाल लेते हैं। मसाले में मैंने लिया था नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, काला नमक, चाट मसाला, और ये सब मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और सारे मसाले मैंने थोड़े थोड़े ही डाले हैं क्योंकि बिल्कुल मज़ेदार वाली नमकीन बनाएंगे ना, जैसे सारी चीज़ें बैलेंस होगी ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। और चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इससे बहुत ही चटकारे वाला टेस्ट जो आ जाता है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है। और एक बार बना करके आप एक महीने के लिए स्टोर कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ना मूँगफली ठंडी हो गई थी तो इसके छिलके निकाल लिए थे, और यहाँ पर आधा चम्मच तेल डाला और सारे मसाले एकदम अच्छी तरीके से भून लेंगे, गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे। और ये मसाले तैयार हो गए, यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया मूँगफली। ये देखिए मैंने कुछ कुछ छिलके छोड़ रखे थे और कुछ कुछ निकाल दिया था, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारी मूँगफली पहले से सीखी हुई है तो ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए जी बिल्कुल 5 मिनट में एक महीने वाली मज़ेदार वाली नमकीन बन के तैयार हो गई है। अगर आप लोग भी त्यौहारों के सीज़न में तला भुना खा करके परेशान हो गए हो तो ये मज़ेदार वाली नमकीन ट्राई करो। और ऐसी नमकीन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करो।